हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है सेफ्टी सर्वे। हम सेफ्टी सर्वे क्यों करते हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी नेसेसरी क्यों है ये, ठीक है। तो देखिए, सेफ्टी सर्वे सबसे पहली चीज़ तो सेफ्टी से रिलेटेड है। जैसे सेफ्टी इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट किए जाते हैं, उसी को ही सेफ्टी सर्वे भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें यही सारी चीज़ें चेक की जाती हैं कि आपके यहाँ किस तरीके की सेफ्टी आपने मेंटेन की है, ठीक है। सारे जो भी सेफ्टी ऑडिट्स वगैरह आपने कर रखे हैं, उसमें जो भी कमियां निकली थी, क्या वो ठीक करी हुई हैं, ठीक करवाई गई हैं, ठीक है। और एक्सीडेंट लेवल चेक किया जाता है, अगर एक्सीडेंट हुआ भी है तो किस कारण हुआ है, ये भी चेक किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो ऑल ओवर पूरा यही है कि आपके यहाँ की सेफ्टी को चेक करना, मतलब आपने अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में, अपने वर्क प्लेस पर कितनी सेफ्टी रख रखी है, ठीक है, इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेफ्टी सर्वे किया जाता है कि सभी चीज़ों को हम चेक करें, हम वहाँ का एनवायरनमेंट चेक करें, हम वहाँ के एक्सीडेंट्स भी चेक करें कि कितने लेवल पर एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है। आपके यहाँ जो वर्क करवा रहे हैं आप, उसके लिए आपने कितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस दी हुई हैं, उनके बारे में पता लगाना, ठीक है। तो ये सेफ्टी सर्वे जब हम करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ से पता लगता है, ठीक है। तो सेफ्टी सर्वे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक कॉपी पेन लेके हमने सारी चीज़ें चेक कर ली और हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर हर एक चीज़ चेक करनी होगी सेफ्टी को लेके, वहाँ कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रिवेंशन दे रखी हैं, वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। क्या नया इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है पुराने एक्सीडेंट्स को देखने के बाद, ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं, ठीक है। तो सेफ्टी सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर देखा जाए तो, जैसे कि ऑडिट वगैरह जो हम करते हैं उसी का ही एक पार्ट होता है ये। उसमें बस ये है कि आप जब भी अपना रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट होता है, तो सर्वे के दौरान हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ क्या कमी थी, ठीक है। और हम ये भी चेक करते हैं उसमें कि एक्सीडेंट का रीज़न क्या था, ठीक है, और उसको हटाने के लिए उस एक्सीडेंट का रूट कॉज क्या था, उस रूट कॉज को कैसे एलिमिनेट करें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वही ये कह रहा है, सेफ्टी सर्वे जो है वो किस लिए बनाया गया है, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करने के लिए। जो भी एक्सीडेंट्स, जितने भी टाइप के एक्सीडेंट हुए हैं अनसेफ और फिज़िकल एनवायरमेंटल कंडीशंस में, उन सबको डिटेल में पता लगाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, ठीक है। अब आपके कंपनी में जो भी आपके ऑक्युपायर हैं, जो भी वर्कर हैं, मैनेजर हैं फैक्ट्री में, अदर वर्कर हैं, उनको आपने क्या क्या सर्वे के दौरान अथॉरिटीज़ को क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं, क्या सभी को ट्रेनिंग प्रॉपरली मिली है या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं मिली होगी तो वो सेफ्टी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें सेफ्टी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, मतलब ट्रेनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ट्रेनिंग मिली होगी तो वो सेफ्टी मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज़ जब भी ये सर्वे किया जाएगा तो जब देखा जाएगा, पूछा जाएगा, तो उसमें यही पता लगेगा कि आपके वहाँ से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई है, इस वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेफ्टी सर्वे है जो कि ये भी डिटरमाइन करता है कि आपके यहाँ ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है वर्कर्स को, सुपरवाइज़र्स को और मैनेजमेंट को, ठीक है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जब सेफ्टी सर्वे करेंगे तो उन लोग को तो ये पता चल जाएगा ना कि आपके यहाँ के एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उन्हें कितनी नॉलेज है सेफ्टी को लेके। अगर नहीं है तो वो यही वहाँ से पता लगेगा ना कि इनकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं की गई है, तो हमें उनकी ट्रेनिंग पर फिर ध्यान देना होगा। वहाँ से एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके सेफ्टी ट्रेनिंग की कितनी नीड है आपके वर्क प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें क्या होता है, आपको इस तरीके की एक लिस्ट मेंटेन करनी होती है, चेकलिस्ट जैसे कि बोलते हैं। तो आप कोई भी इक्विपमेंट देखते हैं, कोई भी हज़ार्ड देखते हैं, कुछ भी चीज़ देखते हैं और आपको लगता है ये यहाँ सेफ्टी ठीक से नहीं प्रिवेंट की गई है, या ये अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, तो आप उसको डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस तरीके से उसे टिकआउट करेंगे, मार्क करेंगे, जिससे कि हमें पता लग सके कि ये चीज़ों में प्रॉब्लम देखी गई थी और आगे फिर हम उसे ठीक करवा सकें।
क्योंकि देखिए एक्सीडेंट लेवल अगर हम टाइम टू टाइम चेक करते जाएंगे, टाइम टू टाइम अपडेटेड रहेंगे तो ही हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इतने इंक्रीज़ हो जाएंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन से एक्सीडेंट का क्या मेन कॉज था, क्या मेन रूट कॉज था, ठीक है। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम उन सभी को अपडेट करना है, हमें पता होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे यहाँ लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हुआ था वो किस रीज़न से हुआ था, ठीक है, और उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो हम अपनी वर्क प्लेस पर उसके लिए सेफ्टी प्रिवेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेफ्टी को मेंटेन करवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सीडेंट्स की लिस्ट जो है, एक्सीडेंट लेवल्स जो है वो लेस रखने हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सभी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सर्वे है, सर्वे में हर एक चीज़ पता चलेगी कि कैसी ट्रेनिंग रही थी, क्या क्या आपने अभी अभी नया किया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता सर्वे में पता लगती हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी वर्क प्लेस की रेपुटेशन दिखाता है कि हमने कितना वर्क किया अपने इंडस्ट्री में, वर्क प्लेस पे सेफ्टी को लेके, है ना, अगर किया होगा तो वो दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ की नॉलेज रख के उसके बाद अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें अपने इंडस्ट्री में रखने हैं, अपने वर्क प्लेस पर रखने हैं, ताकि अब जब भी कभी सेफ्टी सर्वे होता है तो हम इस तरीके की चीज़ों से बच सकें, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको सेफ्टी सर्वे टॉपिक बताया, ठीक है। सो थैंक यू।